एक्ट्रेस सुलगना पाणिगणी का जन्मदिन है। अभिनेत्री सुलगना मदर 2, रेड और इश्क वाला लव में नजर आ चुकी हैं। उन्होंने कई टीवी सीरियल्स में भी काम किया है। मुंबई एयरपोर्ट पर सिंगर ध्वनि भानुशाली नजर आई, जहां वो कैजुअल आउटफिट में काफी गॉर्जियस लग रही थी। बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री वहीदा रहमान आज अपना 84वां जन्मदिन मना रही हैं। एक्ट्रेस ने कागज के फूल, गाइड, तीसरी कसम जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। मलाइका अरोड़ा, करीना कपूर और अमृता अरोड़ा को एक साथ मुंबई में स्पॉट किया गया। तीनों सेलिब्रिटी रेस्टोरेंट मीजू में लंच करने पहुंची थी, जहां रेस्टोरेंट से बाहर आते हुए तीनों की खूबसूरत तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। आलिया भट्ट जल्द ही गंगूबाई काठियावाड़ी में नजर आएंगी। इस फिल्म को संजय लीला भंसाली ने बनाया है। आलिया भट्ट ने अपनी अपकमिंग फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी का एक नया पोस्टर शेयर किया। कॉमेडियन सुनील ग्रोवर को दिल की बीमारी के चलते मुंबई के एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट में भर्ती कराया गया है। सुनील की हार्ट सर्जरी हुई है। डॉक्टर्स का कहना है कि उनकी हालत में तेजी से सुधार हो रहा है। भाभी जी घर पर हैं कि अनीता भाभी यानी नेहा शो छोड़ने वाली हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नेहा कुछ महीनों के अंदर शो छोड़ देंगी। एक्ट्रेस शमिता शेट्टी ने आज अपना जन्मदिन मनाया। इस दौरान शमिता शेट्टी ने केक काटा। शमिता शेट्टी ने अपने बर्थडे के मौके पर रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें वो काफी खूबसूरत लग रही थी। शमिता शेट्टी के बर्थडे के मौके पर राकेश बापट और उमर भी पहुंचे। शमिता शेट्टी ने अपने बॉयफ्रेंड राकेश बापट के साथ हंसते हुए पोज दिया। बिग बॉस 15 में नजर आए ईशान सहगल और मायशा अय्यर भी शमिता शेट्टी के जन्मदिन के जश्न में शामिल हुए, जहां वो दोनों साथ में काफी क्यूट लग रहे थे।